पूजनी संसार प्रिय सज्जनों तथा देवियों, सदगुरु कबीर ने कहा है, प्रेम पाठ का चोलना बहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को जो तनमन बोले सांच। प्रेम पाठ का चोलना पहन करके ऐ कबीरू नाचो। जो तन मन और वाणी से सच्चा होता है, विश्व सत्ता उसको पानिप देती है। दो पंक्तियां हैं और दोनों पंक्तियों में दो विषय। पहली पंक्ति में है प्रेम की बात, प्रेम का व्यवहार। दूसरी पंक्ति में है सत्य का व्यवहार। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। अय कबीरू, प्रेम रूपी पाठ वस्त्र का चोलना, चोलना गले से लेके पैर तक अंगरखा, चोलना वस्त्र पान करके नाचो। लेकिन प्रेम का कहीं कपड़ा नहीं होता है। किसी दुकानदार से आप पूछो कि भाई प्रेम का कपड़ा दे दो तो क्या देगा? साहब कहते नहीं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। प्रेम रूपी कपड़े का चोलना पहन करके नाचो, इसी को लाक्षणिक कहते हैं। ये अविधा नहीं है, लक्षणार्थ है। अविधा लक्षणा व्यंजना, शब्द की तीन शक्तियां होती हैं अर्थ व्यक्त करने में। अविधा का मतलब है शाब्दिक अर्थ, और लक्षणा का अर्थ है जहां शाब्दिक अर्थ न हो, जैसी एक पंक्ति का, और जहां लक्षणा भी नहीं लगता वहां व्यंजना लगती। लक्षणा और व्यंजना में कहा हुआ काव्य उत्तम माना जाता है, अविधा में कहा हुआ काव्य कम उत्तम कवि लोग मानते हैं। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच। अपने नाम को साहेब अन्य पुरुष के रूप में रख करके पूरे मानव समाज को मानो संबोधित करते हैं। ऐ लोगों, प्रेम का कपड़ा लाओ, उसका चोलना बनाओ और उसको पहन करके नाचो। अर्थ हुआ, सारा काम प्रेम पूर्वक करो, जीवन के सारे काम प्रेम पूर्वक करना, प्रेम पाठ का चोलना बनाकर नाचना है। माताएं भोजन बनाएं तो प्रेम से बनाएं, भोजन परोसे प्रेम से, ये समझे हम भगवान भगवती को भोजन करा रहे हैं। तो उनका भोजन बनाना, भोजन परोसना भगवत पूजा हो जाएगा। भार से बनाई भोजा मान करके थाली में परोस करके पति के सामने पटक दिया तो पूजा नहीं बनेगा। दुकान पर सौदा देते हैं, ग्राहक को भगवान भगवती समझे, प्रेम पूर्वक सौदा दे, मुनाफा लेना पड़ेगा, ठगे ना, धोखा ना दे, मिलावटबाजी ना करे, उचित मुनाफा ले, सौदा दे, बहुत बढ़िया काम है। ऑफिस में अफसर और क्लर्क जितने ग्राहक आते हैं प्रेम पूर्वक काम करें, उनको परेशान न करें। 50, 60, 70, 100, 200 किलोमीटर से लोग आए हैं ऑफिस में, क्लर्क कहता है 5 दिन बाद आइएगा, अब तुम्हें तो केवल जबान डुलाना है, लेकिन घर द्वार काम धंधा छोड़ करके जो दूर से आया है उस पर क्या बीतेगी, ये कोई ध्यान नहीं।
परमात्मा के भक्त तो भारत में सब खूब है। भारत वाले एक एक बात के पीछे भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन वे भगवान का बर्ताव कितना करते हैं ये तो उन्हें स्वयं सोचना होगा। भगवान की भक्ति आप करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान में भगवान की शरण हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। बात तो कह दी गई, लेकिन भगवान क्या है, भक्ति क्या है, शरण होना क्या है, ये तो समझना होगा। किसी महापुरुष को आप भगवान मानते हैं जो अब नहीं है, तो उसको मानने की बात इतने होगी कि उसके अच्छे विचारों का आचरण करें। अब आप कहें कि हम तो अमुक भगवान की शरण में हैं, बस। अब अच्छे विचारों का प्रयोग जीवन में नहीं, अच्छे आचार का प्रयोग नहीं, तो शरण क्या है? नाम लेने से शरण नहीं माना जाएगा, काम करने से शरण माना जाएगा। कोई किसी का नाम मानो जगन्नाथ है और उसके चार बच्चे हैं, चारों बच्चे ढोल मृदंग ले करके चौराहे पर कीर्तन करें, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, 24 घंटा कीर्तन करें और जगन्नाथ की बात न माने, घर का काम न करें, तो जगन्नाथ खुश हो सकते हैं? नहीं खुश होंगे। एक बार जगन्नाथ का नाम न लें, काम करें घर का, आज्ञा बजावें, मेहनत करें, पिता खुश हो गए। कीर्तन कर लेना भगवान की शरण है, भगवान भगवान कह देना भगवान की शरण है, ये उचित नहीं समझना, ये तो औपचारिकता। हम आपके सामने गए, हाथ जोड़े, औपचारिकता जोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपको धोखा देते हैं तो हाथ जोड़ करके क्या मतलब हुआ? नाथूराम गोडसे भी जब महात्मा गांधी के पास गया तो सिर झुकाया और गोली मारी, तो सिर झुकाना तो कोई सभ्यता, वहां सभ्यता के लिए भी नहीं, वो तो धोखा देना है। तो पूजा पाठ मात्र भगवान की शरण है, ये बात सच नहीं। किसी महापुरुष का नाम लेते रहना भगवान की शरण है, ये बात सच नहीं। वो औपचारिक है, नाम लेना बुरा नहीं है। किसी पवित्र आत्मा का आप नाम लेना चाहते हैं, लें, और ये माने कि हम उसकी शरण में है, बड़ा अच्छा है। लेकिन शरण की व्याख्या क्या? शरण नाम अधीनता। वो तो महापुरुष है नहीं, कैसे दीन होगे? जो महापुरुष हैं उनको भगवान मानते हो तो उनके भी अधीन होने का अर्थ क्या है? उनके आज्ञा के अनुसार आचरण करना। कोई वर्तमान में सदगुरु है, योग्य है, पूर्ण है, कृतार्थ है, मानो भगवान है। अब उसके पास आप रहते हैं तो शरण है, लेकिन रहना मात्र शरण नहीं। आप उनके पास रहें या दूर रहें, जो उनके पवित्र निर्देश हैं वो शरण है। सदगुरु कबीर भड़ौत जिले, जो आज भड़ौत जिला कहते, भड़ौत जिले में गए, वहां नर्मदा उत्तर से दक्षिण को बहती और फिर मुड़ करके आगे पश्चिम को जाके समुद्र में मिल जाती है। तो उत्तर से दक्षिण तरफ बहती है, पश्चिम तरफ शुक्ल तीर्थ है और पूरब तरफ कबीर बड़ है। पूरब तट पर तत्वा और जीवा नाम के दो ब्राह्मण बंधु रहते थे, वे संत सेवक थे, सदगुरु कबीर के शिष्य थे। सदगुरु कबीर 5 बार गुजरात गए, ये वहां के इतिहास वाले लिखे। तो जहां तक मुझे याद है, ज्यादा दिन हुआ पढ़ा, 3 हो या 5, ज्यादातर हमें लगता 5 बार, काफी दिन वहां रहे, वहां से चलने लगे। तत्वा जीवा ने पैर पकड़ लिया,
हे महाराज हम आपको चाहते हैं, आप यहीं रहें, हम सेवा करेंगे। तो साहेब ने कहा, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझ ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सबकी कामना छोड़ करके मेरे समान निष्काम हो जाओ, बस सब सुख तुम्हारे पास है। सब सुख हो सब दुख, साहेब ने दोनों कहा है। करो विचार जो सब दुख जाई, विचारवान बनो, आचरण संपन्न बनो, जिससे सारा दुख दूर हो। जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। जब तक दिल पर दिल ना होगा तब तक सब सुख नहीं होगा। दिल पर दिल होना क्या है? दिल बहे ना। किसी प्राणी को किसी पदार्थ को देख करके मन ललचाए ना। किसी संपत्ति ऐश्वर्य प्रतिष्ठा पद देख करके मन ललचाए ना। लालच मन का खत्म हो जाए तब दिल पर दिल हुआ, तब सब सुख उत्पन्न होता है। सब सुख का मतलब परम शांत निर्भयता, दुख दुख दिल का खत्म। तो मुझे ही ऐसा हो रहो सब सुख तेरे पास। साहेब ने कहा कि मैं यहां रह करके क्या करूंगा? अरे तुम जैसे मैं निष्काम हूं वैसे तुम भी निष्काम हो जाओ, यही हमारी शरण है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, अगर तू मुझे चाहता है तो मेरे देह को पकड़ करके मत बैठ, जैसा मैं हूं वैसा बन, मुझे ऐसा हो निष्काम, सब सुख तेरे पास। तत्वजीवा ने कहा, महाराज आप तो बनारस चले जाएंगे और मैं यहां समुद्र के किनारे, कैसे कल्याण होगा? तो साहेब ने कहा, जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुंदर तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। गुरु बनारस में बसते हैं और शिष्य समुंदर के निकट है, लेकिन अगर अपने जीवन में सदगुरु के उपदेश हैं, वो सदगुण बसते तो बिसराए बिसरेगा नहीं। तो अर्थ यह है, किसी महापुरुष की शरण या भगवान की शरण का अर्थ क्या है? जिससे चित्त निर्मल हो, वाणी निर्मल हो, कर्म निर्मल हो, वह काम करना, ये भगवान की शरण है। और भगवान की शरण क्या है? खोजो दुनिया में कहीं भगवान मिलेगा? भगवान शब्द में आप पड़े हैं खाली, भगवान की शरण, भगवान की शरण। न दुकान पर भगवान मिलता है, न ऑफिस में भगवान मिलता है, न खेत में, न कारखाने में, न सड़क पर। भगवान खाली मंदिर मस्जिद में मिलता है। मंदिर में बुत मिल जाता है, मस्जिद में सफम सफाई दीवार मिल जाती है, बस यही दो जगह भगवान मिलते हैं, और कहीं भगवान नहीं मिलते हैं। लेकिन मंदिर मस्जिद उपासना की जगह है, जाओ अपना अपने ढंग से कुछ कर लो। असली भगवान तो आपके कार्य क्षेत्र में फैले, ये प्राणी भगवान है, और इनके साथ सुंदर बर्ताव होना, ये असली भगवान की भक्ति। और कितना अंतर है, तीन तीन घंटा पूजा करने वाले लोग, बड़े बड़े अफसरान, बड़ा बड़ा गड़बड़ काम करते हैं। सब नहीं करते हैं, करने वाले करते हैं। एक एक बात में भगवान भगवान कहा करेंगे, लेकिन भगवान से कोई मतलब नहीं। सगुण भगवान कहाँ मिलेगा? सगुण भगवान बाहर है, निर्गुण भगवान भीतर है। आपकी चेतना, आपका आत्मा निर्गुण भगवान है। बाहर जो लोग बैठे हैं ये सगुण भगवान है। जब आप बाहर देखें, व्यवहार करें, तो समझें कि सब तरफ भगवान है। ये प्राणी भगवत रूप है, किसी को तकलीफ मेरे द्वारा ना हो, नाजायज किसी का हक न मारें, किसी का कोई नुकसान न करें, नाजायज तरीके से किसी कोई चीज न लें,
ये भगवान की शरण है और भगवान की भक्ति है। लेकिन अर्थ बिल्कुल उल्टा है। भगवान भगवान कहेंगे, दूसरे लोग और शब्द कहेंगे, भगवान है, अल्लाह है, कुछ है, चरित्र पर ध्यान नहीं देंगे, मान लेंगे हम भक्ति करते हैं। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, प्रेम पाठ का चोलना पहन करके नाचो, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो, यानी पूरा जीवन प्रेममय हो। अब प्रेम में कैसे होगा, जब स्वार्थ घटेगा तब प्रेम में होगा। कामना है अधिक भोग की, इसलिए नाजायज धन बटोरने की, हक मारने की, जो अपने अधिकार की चीज नहीं उस पर अधिकार करने की, इस प्रकार कामना है तो प्रेम कैसे पैदा होगा। भाई भाई में वैमनस्य क्यों होता है, स्वार्थ के कारण। राम और भरत में स्वार्थ की भावना न थी, इसलिए दोनों के प्रेम में फर्क नहीं पड़ा। रावण और विभीषण में फर्क पड़ गया। रावण ने विभीषण को डांटा, लात मारी ऐसी बात नहीं है, तो गोस्वामी जी ने लात मरवाई है। वाल्मीकि रामायण में लात नहीं मारा है रावण। एक सम्राट एक राजा किसी को लात मारता है तो कहे जो उन कुछ हो सकता है। विभीषण ने कहा था कि भैया सीता को लौटा दिया जाए, ठीक नहीं है ये काम, तो एक बार कहा था, तो रावण ने कहा अच्छा जाओ। वो चले गए खाने पीने। दोबारा जब सभा में फिर बैठे तब फिर विभीषण ने कहा भैया सीता को लौटा देना उचित है। तब रावण ने कहा हाँ तुम ऐसे कहते हो, भाई ही तो दुश्मन हुआ करते हैं, तुम उन्हीं की बात करते रहते हो, तुम नहीं समझते हो मैं कौन हूं, मेरी जवान डुलाने से तुम्हारा क्या हो सकता है, और तुम इस प्रकार बात करते हो। तब विभीषण चुप हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। अच्छा भैया मुझे क्षमा करना, मैं जा रहा हूं। वो चल देते हैं अपने दो मंत्रियों को लेकर। ये वाल्मीकि रामायण में कथा आती, मारना नहीं। वैसे आनंद सागर ने तो उसमें जो दिखाया है उसमें इतना ऐसा मरवाया है कि रावण ने पैर मारा तो विभीषण पलटते पलटते वो 20-25 फीट चला गया है। ये सबकी लीला और अपरंपार है। तो रावण ने पैर नहीं मारा लेकिन निरादर तो किया। और विभीषण आ गए श्री राम के पास। अब विभीषण अगर निस्वार्थ होते तो अपने घर चले जाते। अब अगर ये सोचते हम सुरक्षित नहीं रहेंगे घर में तो कहीं चले जाते, भाई के विरोधी से जाकर के मिल लेते, ऐसा ना होता। और फिर मिले भी तो तुरंत टीका करवा लिए। श्री राम की तो ये कुशलता है, राजनीतिज्ञता है, ये दुश्मन का भाई आया टीका लगाओ, लंका की राजधानी उसकी, जब आपकी लंका नहीं अभी विजय नहीं हुई तो टीका लगाने के अधिकारी हैं आप। लेकिन ये श्री राम की नीति है। और विभीषण का स्वार्थ है, राम ने खुश कर दिया उसको, फिर सारा भेद वो बताता रहा। तो पवित्र हृदय वो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन श्री राम और लक्ष्मण का, भरत का जो पारस्परिक प्रेम है निस्वार्थ है, पवित्र प्रेम है। राज की इच्छा राम को नहीं है, राज की इच्छा भरत को नहीं, इसलिए राम और भरत के बीच में राज्य हो गया कंदुक गेंद। ये प्रेम का फल है। जहां स्वार्थ जीता जाएगा वहीं प्रेम फलेगा। अगर ज्यादा भोग की इच्छा है प्रेम कहां फलेगा। साहिब ने कहा आधी और रूखी भली सारी शोक संताप, जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप। आधी रोटी अच्छी है, पूरी रोटी नहीं, आधी रोटी, और रूखी हो घी उसमें न लगाओ, और सारी शोक संताप। एक पूरी रोटी खाना तो शोक संताप है,
और जो चाहेगा चूपड़ी घी लगाना चाहेगा तो बहुत पाप करेगा। तो इसका मतलब जितना कि ये फेंक देना चाहिए, आवाज से आधी रोटी खाना चाहिए। तो यहां भी लाक्षणिक है, अविदा अर्थ नहीं। इसका अर्थ नहीं है कि आप आधी रोटी खाया करें और सूखी खाया करें। घी है, लगाना चाहते हैं लगा लें, खाएं। और आधी रोटी में पेट भरता आधी खाएं, दो में भरता दो में खाएं, चार में भरता चार में खाएं, हल्का खाएं बस। अर्थ यहां है कि रूखा सूखा जो सहज मिल जाए तो समझ लो भला है। अब अगर तुम भोग करना चाहोगे तो शोक संताप पैदा होगा, और अगर ज्यादा ऐश्वर्य चाहोगे तो पाप करोगे। पाप क्यों होता? ज्यादा ऐश्वर्य की इच्छा से। हजरत मोहम्मद ने हदीस में कहा है कि तुम्हारा अधिकार केवल रोटी नमक पर है और कुछ नहीं। स्वयं उनको सप्ताह में कई बार ऐसा प्रसंग पड़ता था कि सप्ताह में दो दिन भी जौ की रोटी पेट भर मिलना मुश्किल होता था। ऐसे भी उनके दिन आए थे। कोई महापुरुष कठिनता से गुजर करके कुछ करता है। जब उन्होंने प्रचारक भेजा एक तरफ तो कहा देखो सुख में न फंसना, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो भोग ऐश्वर्य अगर हम चाहते हैं तो पाप करेंगे। दूसरे का ड्राइंग रूम देखे, ऐसी ऐसी चीजें सजी हैं, ऐसे हमारे होना चाहिए, दूसरे की गाड़ी ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, बस तुलना तुलना तुलना, मन को नरक बना रखा है। आपकी झोपड़ी राजमहल है, अगर आपकी साइकिल है तो हेलीकॉप्टर समझ लीजिए। अब आपका जो कुछ है वही आपका ऐश्वर्य है। उसी में मस्त रहे, परिश्रम कीजिए, बढ़ जाए अच्छा। मैं नहीं कहता विकास न करो। विकास का अर्थ क्या है? खाली कूड़ा कचरा बटोर लेना विकास है? ये दुनिया की चीज सब, ये संसार सकल है मैला राम गहे ते सूचा, कहें कबीर राम नहीं छाड़ो गिरत परत चढ़ी ऊंचा। ये सारा संसार मैला, राम पवित्र है। कूड़ा कबाड़ बटोर लेना हम विकास मान बैठे हैं। विकास है चित्त की निर्मलता, वाणी की निर्मलता, कर्मों की निर्मलता, चित्त की प्रसन्नता, आनंद, निर्भयता। मरने का समय आ जाए भय न लगे, ये विकास है। ये अंतर ज्योति का विकास है, अपने व्यक्तित्व अपनी सत्ता का विकास। विकास का मतलब निर्मल हो जाना, विकास का मतलब यहां बढ़ना बढ़ना नहीं। पैसा बढ़ जाए तो हमारा विकास हुआ, पैसे का विकास हुआ मेरा विकास नहीं हुआ। मकान बड़ा बन गया तो मकान का विकास हुआ मेरा विकास नहीं हुआ। पद बढ़ गया तो पद का विकास हुआ, पदोन्नत हुई मेरी उन्नति नहीं हुई। मेरी उन्नति मेरा विकास सुबस्ता शांति तृप्ति में, इस चीज को समझने की जरूरत है। इस चीज को हम समझते नहीं, बस तुलना करते हैं उनकी, ये चीज हमारी आ जाए। अरे ये चीज ठाकुर काजर ठाकुर कारी, गाल में लगे तो कालिक है, आंख में लगे तो काजल है। आपने परिश्रम किया है मिला है, या किसी ने प्रेम से दिया है बढ़िया है, लेकिन आप छल छद्म करके धोखा देकर ठग कर कोई चीज का उपभोग करना चाहते हैं तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये नियम किसी को छोड़ता नहीं है, समझ लो। प्रकृति का नियम किसी को छोड़ता नहीं है। ईश्वर की आंखें हर जगह हैं, उससे छिपा नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? आप अपनी आंखों से अपनी हरकत को क्या छिपा सकते हैं? आपकी आंखें ईश्वर की आंखें, आपकी अंतरात्मा ईश्वर। हम चोरी करें तो
दूसरा कोई न जाने संभव है, लेकिन मेरी अंतरात्मा न जाने ये संभव नहीं। दूसरे की आंखें न देखें ये संभव है, लेकिन मेरी आंखें न देखें ये संभव नहीं। आपकी आंखें परमात्मा की आंखें हैं, आपकी अंतरात्मा परमात्मा है, और उसको आप धोखा नहीं दे सकते। जो जो हम करते हैं सबकी रिकॉर्डिंग अंदर में चलती है, और ये रिकॉर्डिंग ऐसी अद्भुत है, ये खराब नहीं होती। देखो यहाँ रिकॉर्डिंग प्रवचन का कर रहे हैं, ये खराब हो सकती है, कुछ गड़बड़ हो जाए, आएगा ही नहीं, आ जाएगा तो भी खराब हो जाएगा। लेकिन मन की रिकॉर्डिंग खराब होती ही नहीं, वो तो परिपाक फल दे करके समाप्त होती है। ऐसा संवेदनशील हमारा मन है, और हम शराब पी करके इतने बदहोश हैं कि जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, जैसा नहीं बोलना चाहिए वैसा बोलते हैं, जैसा नहीं सोचना चाहिए वैसा सोचते हैं, और अपने जीवन को नरक में डाले चले जाते हैं रात दिन। और उन्नत कर रहे, कौड़ी जोड़ रहे, कुछ लोग कौड़ी के इतने नशे में हैं, पता नहीं क्या क्या अपराध करके पैसा बटोरते जाते हैं, और बुढ़ापा में उनके चित्त में नस्तर गढ़ता, खूब अपराध करके पैसा बटोरे, बड़ी बिल्डिंग बना दिए, और उसी बिल्डिंग में रह करके बच्चों और बहुओं से उपेक्षित, तब लगता है मैंने ये पाप क्यों किया। साधारण मकान होता क्या बुरा होता। ये पक्का है कि जो हम दुष्कर्म करेंगे उसका परिणाम हमारे सामने आएगा, सुकर्म का परिणाम हमारे सामने आएगा। इसको काटने की शक्ति दुनिया में किसी के पास नहीं। कोई भगवान, कोई परमात्मा, कोई देवी देवता काटने की क्षमता नहीं रख सकता। आप ही को काटना पड़ेगा। गलत रास्ता छोड़ दें, सही रास्ता पकड़ लें, तो फिर बुराई के रास्ते से हट सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। इसलिए पाप कटवाने के जो चक्कर है वो तो भूल जाइए। ये तो नाना मत के गुरुओं ने जो ये हल्ला किया है बड़ा खतरनाक हो गया। साथ साथ ये बात है कि आदमी कमजोर है, उससे गलतियां होती, तो गलतियां हो गई तो क्या करें, तो गलतियां फिर न करें, पश्चाताप करें, गलती छोड़ दे और शुभ मार्ग में चले, तो चित्त निर्मल होगा, उसका कल्याण होगा। अगर फिर से गलती ना दोहराए तो उसका कल्याण निश्चित है। शुद्ध मार्ग पर चलने से अशुद्ध संस्कार भी धुलते। कितने हिस्ट्री शीटर हैं, होते हैं, पुलिस पीछा करना छोड़ देती है, क्योंकि वह चोरी छोड़ देते हैं, 10 बरस हो गए, 20 बरस हो गए, पुलिस भी जानती है बिल्कुल साध स्वभाव है। तो सुधार का रास्ता है दुष्कर्म का परित्याग। ये नहीं कि दुष्कर्म करते चले और सुधार होता जाएगा, भगवान भगवान कहें भगवान काट देंगे। मैंने कल कहा था कि आपने जो ईश्वर को व्यक्ति मान लिया है, ये जीवन में सबसे बड़ा धोखा हुआ है। नियम ईश्वर है, व्यक्ति ईश्वर नहीं। व्यक्ति कोप और कृपा करता है, नियम न कोप करता है न कृपा करता है। नियम तो एक कंप्यूटर है, और कंप्यूटर तो खराब होता है, लेकिन विश्व सत्ता का नियम, ये कंप्यूटर खराब नहीं होता है। वेद में आया कि विश्व सत्ता जिस धुरी पर चल रही है वो धुरी कभी गर्म नहीं होती है। रथ का धुरा गर्म हो जाता है, गाड़ी का धुरा गर्म हो जाता है, लेकिन विश्व सत्ता जिस धुरा पर चल रही है वो धुरा गर्म नहीं होता है। ये विश्व का रस सूखता नहीं, सब समय संसार चलता रहता है। तो विश्व सत्ता के जो नियम है ये अबाध है, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता है। करेगा ठोकर खाएगा, दुख पाएगा। इसलिए अगर ये दुनिया के सभी गुरुजन और संप्रदाय वाले संत महात्मा पंडित मौलवी जो कहो
अगर इस बात को समाज को सिखाएं तो बहुत परिवर्तन आए। लेकिन इस पर तो कभी थोड़ा कह दिए जरा से भगवान की शरण ले लो, सब बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसा ऐसा कह डाला गया है कि ये पूजा कर लो, गायत्री जप लो शाम को तो दिन भर का पाप कट जाएगा, और सुबह जप लो तो रात भर का कट जाएगा। गायत्री का पाठ करने से ब्रह्महत्या, गुरुपत्नी के साथ गमन और दुष्कर्म हुए हैं, सब कट जाता है। अब ये सब तो गायत्री का भयंकर दुरुपयोग है। वेदों में गायत्री, बृहति, पंक्ति, जगती इत्यादि छंदों के नाम है। उसमें गायत्री एक प्रसिद्ध छंद है जिसमें 24 अक्षर होते हैं। बीजक व्याख्या के प्रथम खंड की दूसरी रमैनी की व्याख्या में मैंने गायत्री को दिया है और उसके अक्षरों को अलग अलग बताया है। 23 अक्षर है प्रसिद्ध गायत्री में, इसलिए कुछ विद्वान वरेण्यम को वरेण्यम कहते हैं तो 24 बना लेते हैं, अड़ा आधार आता तो पूरा बना लेते हैं। इसलिए वेदों में निश्चित गायत्री कहा जाता है। यह निश्चित अनुष्टुप कोई भी छंद हो, अगर वो छंद भंग है तो निश्चित कहा जाता है। ये जो प्रसिद्ध गायत्री है निश्चित गायत्री है, यानी छांदिक दृष्टि से अशुद्ध है लेकिन भाव की दृष्टि से उत्तम है। तो छांदिक दृष्टि कोई महत्व नहीं रखता। नदियां टेढ़ी होती हैं लेकिन पानी मीठा होता है, गन्ना टेढ़ा हो सकता है लेकिन रस मीठा होता है। जो मंजरियां हैं, लताएं हैं, उनकी वक्रिमा, उनका टेढ़ापन कितना मनोहर लगता है। इसलिए छांदिक त्रुटि का कोई मूल्य नहीं, गुण का महत्व है। घी के लड्डू टेढ़ो बेड़, ये कहावत है उत्तर क्षेत्र में। घी का लड्डू हो, टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो पौष्टिक और स्वादिष्ट तो है ही। तो गायत्री छंद का अर्थ सुंदर है लेकिन छांदिक दृष्टि से त्रुटि है। और विश्वामित्र के कंठ से निकला है, तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का ये 10वां मंत्र है। और विश्वामित्र, विद्वान लोग कल्पना करते हैं, लिखा तो कहीं नहीं है इतिहास, कल्पना करते हैं कि जब वे वशिष्ठ से हार गए, ये तो निश्चित है, वेद से भी पता चल जाता है वशिष्ठ और विश्वामित्र का विवाद। पुराणों में तो विश्वामित्र क्षत्रिय हैं लेकिन वेदों में विश्वामित्र क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण है। तो विश्वामित्र हार जाते हैं तो उनको बड़ी ग्लानि होती है, और सरोवर पर, आश्रम के बाहर सरोवर पर बैठे ग्लानि में डूबे रहते हैं। पूरब तरफ से सूरज की आभा, जिसको उषा कहते हैं, उषा निकलती है तो इनका मन खिल जाता है। और उसी समय के सूरज को सविता कहते हैं। सविता और सूरज में थोड़ा फर्क माना जाता है, हाँ एक ही बात। सायण ने अपने भाष्य में लिखा है उदयात पूर्व भावी सविता, उदयास्त मैं वर्ती सूरज। सायण ने वेदों का भाष्य किया, सभी वेदों का और ब्राह्मण ग्रंथों का, और उन्होंने वेदों के लिए तो विश्वकोश दे दिया। तो बड़े समर्थ भाष्यकार हुए आज से 700 वर्ष पूर्व। तो उन्होंने सविता और सूरज की परिभाषा की, उदयात पूर्व भावी सविता, उदयात उदय अस्तमय वर्ती, उदयास्तमय वर्ती सूर्य। उदय के पहले जो सूरज का अस्तित्व है उसका नाम है सविता, प्रेरिता, प्रसविता, उत्पन्न करने वाला। उत्पन्न का मतलब सब में शक्ति पैदा करता है, और जब उग गया तो शाम तक वो सूरज है। इसलिए गायत्री मंत्र, जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, उसको सविता मंत्र भी कहा जाता है। उसमें सविता आया है, तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस धीमहि धियो योना प्रचोदयात्। तत् वह सवितुर सविता, सविता सूरज, तत् सवितुर वरेण्यम, वरेण्यम वरण करने योग्य, स्वीकारने योग्य, आदर करने योग्य,
तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो प्रकाश स्वरूप देवस्य देवता का धीमहि ध्यान करते हैं। धी बुद्धि यो जो न हमारी प्रचोदयात प्रेरता, हम उस प्रकाश स्वरूप सविता देव का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरता। सूरज उगता है, उगने के पूर्व ही उषा के आते ही सारा संसार जग जाता है जहां तक उसका प्रकाश जाता है। चिड़िया भी चहचहाने लगती है, उषा के आने के पूर्व से ही चिड़िया गाना शुरू कर देती है। इसलिए सविता प्रेरिता और सविता प्रकाश स्वरूप है, हमारे चित्त में प्रकाश हो, ज्ञान का प्रकाश हो। ये सुंदर प्रेरणा के लिए उनके कंठ से निकला। लेकिन आगे चल करके जब वर्ण व्यवस्था हुई तब विजातियों के द्वारा पूजा में इसे रखा गया, दीक्षा ही में रखा गया। कब से दीक्षा दे करके विजातियों का स्वरूप बनाए तो कहीं इतिहास है नहीं। वेदों में यज्ञोपवीत की बहुत खास बात नहीं है, मालाकार पहनने की बात है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम ये सूत्र ग्रंथों के जो वेद के बहुत काल के बाद के, तो कब यज्ञोपवीत पहनाना शुरू किया और ये मंत्र देना शुरू किया तो पता नहीं है। लेकिन ये मंत्र के रूप में द्विजातियों के लिए रखा गया और फिर जब मंत्र के रूप में हुआ तब महिमा बढ़ी। तो महिमा बढ़ी तो गायत्री की महिमा में बहुत लिखा गया, इतना लिखा गया कि उसको पढ़ो मान लो तो फिर रानी से राना मुश्किल है। क्योंकि सस्ते में सब काम होने वाला है तो फिर आप त्याग तब क्यों करें। ऐसे और भी खाली गायत्री में ही नहीं, हर जगह पुरोहितों ने बड़ा गड़बड़ झाला किया। लेकिन ये पक्का समझ लेना चाहिए कोई मंत्र कोई नाम कोई पूजा का अपना महत्व है, लेकिन सर्वाधिक महत्व है चरित्र की उज्जवलता का। जब तक चरित्र उज्जवल न होगा तब तक ये मंत्र तंत्र कुछ काम नहीं करेगा। तो इस चीज को हमें समझना चाहिए कि विश्व सत्ता के नियम के तहत हम अपने कर्मों के फल के भोग के लिए बाध्य हैं। इसलिए कर्म सुधार जीवन का सुधार है। रोटी के साथ घी मिले, दाल मिले, सब्जी मिले कि नमक मिले, कोई परवाह न करो, क्षमा कर दे। लेकिन आपकी अंतरात्मा क्षमा न करेगी, आपका दिल कचोटेगा, मैंने गलत किया, क्यों ऐसा बोला, दूसरे ढंग से बात कर सकता था, मीठा बोल सकता था। अब आपकी अंतरात्मा परेशान हो रही है। लेकिन बात करने के नियम को समझ करके वैसा बोलते। बात करने का नियम क्या है, दो व्यक्ति जब मिले तो आपस में वहां से बात शुरू न करें जहां परस्पर विरोध है, वहां से शुरू करें जहां परस्पर विचार मिलते हैं और विरोध वाली बात को बचाएं। विरोध वाली बात जब कभी कही जाए तो बड़ी सावधानी से बहुत समझ करके उलझा न जाए। ये पक्का समझ लो कि आप सबको सुधार नहीं सकते, कोई नहीं सुधार सका है। हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। फिराक गोरखपुरी रघुपत साहे, फिराक गोरखपुरी, गोरखपुर के रघुपत साहे फिराक बहुत बड़े विद्वान थे, प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने जीवन बिताया। 1969 में हमारी उनकी मुलाकात गोरखपुर में ही हुई थी। ये उनकी पंक्तियां, हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, आदम की नस्ल ने, इंसान की वंश परंपरा ने हजारों उपदेष्टा पैदा किए, खिज्र नाम उपदेष्टा। ये सब तस्लीम स्वीकारता हूं, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। तो जो ये उपदेशकों को भ्रम है कि मैं सबको जगा दूंगा, ये भी भयंकर नशे में,
आज तक कोई जगह पाया? श्री राम अयोध्या वासियों को क्या समझा पाए? समझा पाते तो सीता को निकाल देते। अगर ये कहानी सच है तो कितना द्रावक है। श्री राम जहां बैठे अयोध्या वासी श्री राम से उदास है, उनकी आलोचना करते हैं। धोबी ने ताना मारा, राम ने सीता को निकाल दिया। वाल्मीकि रामायण में धोबी की कोई चर्चा नहीं, ये किसी ग्रंथ में है। धोबी की भी बात है, वो बहुत साधारण ग्रंथ में है। वाल्मीकि रामायण जो सबसे प्रथम है उसमें है, शाम के टाइम श्री राम बैठे तो उनके कई ऐसे पेशे नौकरी शुदा मित्र थे, यानी उनको तनख्वाह दी जाती थी, नौकर थे, लेकिन दर्जा उनका मित्रता का था, मित्र की तरह वो रहते थे। और भोजन करके जब श्री राम बैठे तो वे लोग बैठे उनका दिल खुश करने के लिए कुछ बात करें, क्योंकि राजकाज से दिल उलझा रहता है दिन भर, तो शाम को ऐसे लोग उनका दिल खुश करने के लिए अच्छी अच्छी बातें करते थे। उन लोगों से श्री राम ने पूछा, मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरी माताओं के लिए और मेरे राज शासन के लिए अयोध्या में, अयोध्या के नगर में, चौराहों पर, मुनियों के आश्रमों में, और जैसे आजकल होटल कहते हैं उस जमाने का, ऐसी जगहों में, बैठकों में क्या चर्चा? लोगों ने कहा, आपकी सब चर्चा अच्छी है, शासन बढ़िया है, लंका पर विजय की, इसमें सब खुश हैं और सारी चर्चाएं अच्छी, एक चर्चा खराब है। वो कौन? आपने जो सीता को फिर रख लिया। लोग कहते हैं रावण के घर में सीता इतने दिन रही और फिर राम ने उनको पत्नी बना लिया, तो मेरी क्या दशा होगी? मेरी पत्नियां भी कहीं भी जा रहा है और हमें तो फिर पत्नी के रूप में स्वीकारना पड़ेगा। राम उदास हो गए, अच्छा सब जाओ, सबको विदा कर दिया। लक्ष्मण को बुलाए, लक्ष्मण मैं बहुत पीड़ित हूँ और निश्चित है अगर ये सच घटना है तो उसी दिन की बात नहीं है, वे बराबर सुनते हैं, इसीलिए उनसे पूछते भी, और जब बिल्कुल आजीज आ गए हैं तब ये घटना घटी होगी। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों को बुलाते हैं, कहते देखो मैं जो कहने जा रहा हूँ तुम लोग उजर नहीं कर सकते हो। लक्ष्मण सुबह सुमंत को ले, रथ पर बैठाएं सीता को, ले जाकर के गंगा पार, वहां वाल्मीकि आश्रम के जो वन है वहां छोड़ा है, और बता देंगे कि अपवाद के डर से तुम्हें उन्होंने जीवन भर के लिए निकाल दिया है। वाल्मीकि रामायण में कोई चर्चा नहीं आती कोई कुछ कहा हो, चुप। फिर सुबह यही हुआ। अब वो कहानी कहां तक कहूं, बहुत द्रावक है, मैंने रामायण रास में सब लिखा है, कोई पढ़ना चाहे तो रामायण रास पढ़ें, उसमें राम कथा की जितनी किताबें हैं सबका उदाहरण है। यूरोप में जो बनी है रामायणें, पूरी एशिया में जो बनी है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बनी है, सबका लेखा जोखा है। और वाल्मीकि अध्यात्म और मानस, इन तीनों का तुलनात्मक अध्ययन और समीक्षा है। तो अगर ये कहानी सच है तो राम आज ही जा गए, तब उन्होंने निकाला है। निकालना गलत है कि सही है बात अलग है, लेकिन अयोध्या वासियों को श्री राम समझाने में समर्थ नहीं हुए तब ऐसा काम किए। श्री कृष्ण के विषय में ऑब्जेक्शन लगा था कि उन्होंने मणि की चोरी की, तो वे तो दूसरी प्रकृति के थे, वे पीछे पड़ गए फिर, और खोज करके उसको निकलवाए जहां से रहा, तो कहने वाले लज्जित हुए। उसकी भी कहानी कहने की यहां फुर्सत नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा, अब जस जोग की जानकी, मड़ चोरी का कान, तुलसी लोक रिझाई वो, करस कातबो नान। क्या सीता जी अबजस के जोग थी? क्या श्री कृष्ण ने मड़ की चोरी की थी? सच है, दुनिया को खुश करना वैसे है जैसे कोई सूत झटके में काते और महीन कातना चाहे तो असंभव है। झटके में कातोगे और महीन नहीं रहेगा। करस कातबो नान, करस झटके में, नान महीन। दुनिया को खुश करना असंभव है।
श्री राम अयोध्या वासियों को न समझा सके। और कितना द्रावक है ये घटना, कितना दुखद है। तो इस संसार में हम सबको जगा सकते हैं, अपने पुत्र को लोग नहीं जगा पाते, अपने शिष्य को नहीं जगा पाते, अपना स्वयं पूरा जगना चाहिए। अगर हम जग गए तो मानो दुनिया जग गई, क्योंकि दुनिया को हम जगाना चाहते हैं और दुनिया के हम एक अंश हैं और अपना जग ही नहीं रहे। लेक्चर दे करके खाली जगाना चाहते हैं, लेक्चर ठीक है, लेकिन लेक्चर के पहले स्वयं जग जाना चाहिए। अगर हम जग गए तो इस दुनिया का एक अंश जग गया, और हमें देख करके जिनको जगना होगा जगेंगे, जो बन सके कह भी दे। इसलिए अपने को जगाने की जरूरत है। अगर हमारा जीवन निर्मल है तो हमारे लिए चारों तरफ मधु है, अमृत है। अब जहां तक परिवर्तनशीलता, इसको कौन रोक पाएगा? आदमी पीड़ित क्यों है, भयभीत क्यों है? क्योंकि उसके प्रिय प्राणी छूटने वाले, व्यापार में घाटा हो सकता है, खेती डूब सकती है, मित्र शत्रु हो सकते हैं, शरीर में रोग लग सकता है, ये सब सोच सोच करके सब भयभीत है बिला वजह। हृदय का ज्ञान जब तक दूर नहीं होता है, मन की ये प्रक्रिया कभी दूर नहीं होती। आप बचपन से सोचते आए हैं कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए, और जो होना हुआ वो होता रहा है, मरना हुआ वो मरे, शरीर में परिवर्तन हो ही रहा है ना। आपके चाहते बाल पक रहे हैं, दांत उखड़ रहे हैं, चाम में सिकन आ रही है, घाटा मुनाफा भी सब चल रहे हैं, लेकिन नमक रोटी की कमी न होगी, मेहनत करते रहो। मूल आवश्यकताओं में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपके साथ 100 हो तब, 50 हो तब, 10 हो तब, 2 हो तब, 1 हो तब, कोई न हो तब, मूल बात में कभी फर्क नहीं पड़ेगा। जीवन गुजर होगा, कल्याण का काम आपको करना है। कल्याण है मन वाणी कर्मों की निर्मलता। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दिनों तास को जो तन मन बोले सांच। जो तन मन और वाणी से सच्चा है उसको विश्व सत्ता चमक देती है, चमक लाना नहीं पड़ता है। तेल पानी चुपड़ करके जो चाम पर चमक लाने की चेष्टा की जाती है वो भोलापन है। अंदर की ज्योत चमकनी चाहिए, ज्योतित जीवन हमारा होना चाहिए। ज्योतित जीवन का अर्थ है निर्मल जीवन। जीवन की सार्थकता निर्मलता में, निर्मलता में प्रसन्नता, प्रसन्नता में निर्भयता। एक प्रसन्नता होती, टीवी देखे थोड़ा प्रसन्न हो गए, अखबार में कुछ चटपटेदार बातें आप पढ़ ली प्रसन्न हो गए, रुपया पैसा मिला प्रसन्न हो गए, और भी ऐसे कुछ प्रसन्न होने के तमाम मुद्दे होते हैं, लेकिन उसके पश्चात तकलीफ बनी रहती है। चित्त की निर्मलता से जो प्रसन्नता होती है वो स्थिर होती है। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है मन वाणी कर्मों की निर्मलता, और इसी का फल है प्रसन्नता, और इसी का फल है निर्भयता, और निर्भयता ही अमरता। मरने जीने की बिल्कुल चिंता नहीं। सदगुरु कहते हैं, जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। जिस मरने से जगत के लोग डरते हैं, मेरे मन में आनंद है, कब मरूंगा कब पूर्ण परमानंद पाऊंगा। ज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष को भी जब तक शरीर है तब तक शरीर जनित उपद्रव को तो भोगना ही पड़ता है। तो जीवन मुक्त, जीवन मुक्ति में भय तो नहीं है, चिंता तो नहीं है, दुख तो नहीं है, लेकिन शरीर प्रारब्ध का तो भोग करना पड़ेगा। ठंडी गर्मी तमाम प्रपंच है, और शरीर भी नहीं रहा, सब दुख खत्म हो गए। मान लो ये जीवन मुक्ति की बात, ज्ञान की बात समझ में न आए तो आप ये सोचिए कि हम मर जाएंगे तो क्या नुकसान होगा। हमारे कुछ स्वजन रोएंगे, लेकिन कुछ लोगों को खुशी होगी। हमारे मरने पर निश्चित है कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग रोएंगे, कुछ लोग खुश होंगे।
और मर जाना क्या है? अगर आत्मा अमर है आप मानते हैं तो शरीर से वियोग मात्र हो गया, मरा तो नहीं। अगर आप मानते हैं आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है तब फिर क्या है? शरीर छूट जाएगा, सब खत्म, मर जाएंगे सब खत्म। जब सब खत्म हो जाएगा तो दुख कहां रहे, तो भय क्यों? और अगर आत्मा अमर है तो भय क्यों? तो जो मानते आत्मा अमर है उनको भय करने की जरूरत नहीं, और जो मानते आत्मा नाम की कोई चीज नहीं उनको भी भय करने की कोई जरूरत नहीं। तो भय तो निरर्थक ही है। मैं तो मानता हूं आत्मा अमर है, और मैं समझता हूं इसमें बैठे लोग अधिकतम लोग ऐसा मानते होंगे आत्मा अमर है। लेकिन जो धारणा हो तो उसमें भय करने की आवश्यकता क्या है? और भय करने से क्या मौत रुक जाएगी? और मौत आने से क्या फर्क पड़ेगा? भय बेकार में होता है। एक छोटा सा ऑपरेशन होता है आदमी कांपने लगता है, और जब ऑपरेशन होता कोई खास बात नहीं, हो जाता है, सांस आती है जाती है, रुक गई बस खत्म, उसमें होगा क्या फर्क? इसलिए भय जो मृत्यु का भय है ये मोह के कारण है। ज्यादातर तो यह है कि जो फैला है हमारा छूट जाएगा, ये घर द्वार लड़के बच्चे पत्नी और बाबा लोगों का मठ मंदिर चेलाही चेले पूज्यता प्रतिष्ठा, लेकिन ये बाबा और बाबू का कुछ रहने वाला नहीं। बाबू को भी छोड़ करके जाना है, बाबा को भी, इसलिए बाबू बाबा दोनों कमर कसें, करो रे मनवा दिन की तदवीर, जब जब राजा आने पड़ेंगे नेक दरत नहीं तीर। उस दिन के लिए कितने लोग सावधान हैं? मृत्यु सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। अगर आदमी मृत्यु का ख्याल रखे तो कौन सी समस्या आपके सामने है? अगर कोई आपका स्वजन मर गया है, अगर अपनी ही मृत्यु की याद करते हैं तो स्वजन मरने क्या डर फिर रह गया, भय क्या रह गया, दुख क्या रह गया? जब अपने मर जाना है तो दूसरे लिए क्या रोए? राग द्वेष किसी का है, राग द्वेष करने वाला करे, हम नहीं राग द्वेष करते हैं। ये समझ लें कि हम साथियों को ठीक करके ठीक नहीं हो सकते, साथियों के लिए हित चिंतन करें और अपने को पूरा ठीक करें। प्रायः घर में लोग कलह का दूसरे की बुराई देखते रहते हैं, अपनी बुराई देखने की जरूरत है। दूसरे की बुराई देख करके कभी कल्याण होने वाला नहीं। सदगुरु कबीर ने कहा है, दोस्त पराये देख के चला हसंत हसंत, अपने चित्त न आवई जाको आद न अंत। कबीर, हम सबते बुरे हमते भल सब कोए, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। अपने दोषों को देख करके मिटाने में आनंद है, दूसरे के दोष की चर्चा करना सुनना ये तो अपने मन के चादर को मैला करना, क्या मतलब है? सावधानी के लिए कभी बात कर लिए, कोई आदमी ऐसा है तो आपस में बात कर लिए, भाई उससे सावधान रहना चाहिए बस। लेकिन उसको नीचा दिखाने के लिए, रस लेने के लिए, उसकी बुराई की भी बुराई का रस लेने के लिए लोगों में चर्चा करना, ये तो अपने चित्त का कालुष्य। जो कल्याण चाहेगा दूसरे की बुराई न देखेगा, न सुनना चाहेगा, न कहना चाहेगा, न सोचना चाहेगा, समय कहाँ है? एक सफेद चादर हमने बिछा रखी है और एक किनारे गोबर रख दे तो हमारी कोई बुद्धिमानी है? हम साधना से चलते हैं और बीच में हम दूसरे की बुराई में लग गए, उसकी चर्चा करने लगे, कितना बड़ा अपराध है। इसलिए अपने मन की चादर को धोए। दिन निरंतर बीतते हैं सबके, जवान बूढ़े सब मृत्यु के तरफ खिसकते हैं, और ये अकाट्य है, हर देहधारी का अंत आता है। अंत आने के पहले अपनी बुराइयों का अंत करना चाहिए, अपने चित्त के मलों का अंत करना चाहिए। जिसका मन निर्मल होगा उसकी वाणी निर्मल होगी, मन वाणी जिसके निर्मल होंगे उसके कर्म निर्मल होंगे, और मन वाणी कर्म तीनों जिनके निर्मल हैं फिर क्या पूछना है? यही तो स्वर्ग है। होए बहिस्त जो चित न डोलावे, सदगुरु कबीर ने कहा है बीजक में, होए बहिस्त जो चित न डोलावे, बहिस्त स्वर्ग,
अरबी भाषा में बिहिस्त स्वर्ग। साहब कहते बिहिस्त उसका है जो चित्त न डोलावे, चित्त को चंचल न करे, चित्त की स्थिरता, चित्त की शांति स्वर्ग है, यही मोक्ष है। तो प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो तास को जो तनमन बोले सांच। साहब कहते आए लोगों अपने जीवन का सारा व्यवहार प्रेम पूर्वक करो। कितने लोग तो सुबह से उठ करके गरमाए रहते हैं, पत्नी को कटु, बच्चे को कटु, पति को भी कटु, पिता को भी कटु, गरमाए गरमाए। एक सज्जन तो कहते थे महाराज मैं सुबह उठता हूं तो पड़ोसी को देखता हूं पसर भर खून घट जाता है। मैंने कहा थोड़े दिन में आपका सब खून सूख जाएगा, पड़ोसी में आप भगवान नहीं देखते हैं, कहां भगवान मिलेंगे। संत ईसा ने कहा बाइबल में बात आती है कि जो कहता है मैं भगवान से ईश्वर से प्रेम करता हूं लेकिन पड़ोसी से बैर करता है, घृणा करता है, कैसे माना जाए ईश्वर से प्रेम करता है। जिसको उसने कभी नहीं देखा कहता है प्रेम करता हूं, और जिसको देखता है उससे द्वेष करता है। तो ये चाहे एक घंटा चाहे चार घंटा कोई उपदेश करे कि भगवान की सेवा करो भगवान की सेवा करो, लेकिन अंत में कहना पड़ेगा मनुष्य की या प्राणी की सेवा ही भगवान की सेवा है। मनुष्य और प्राणी को हटा करके भगवान कहीं फलेगा? हवा में बात करने से कुछ होने जाने वाला है? ये प्राणी भगवान है, इसलिए प्राणियों के साथ प्रेम का बर्ताव होना चाहिए। चित्त जितना हमारा निर्मल होगा उतना प्रेम का व्यवहार हो सकेगा। जिसका मन निर्मल है, प्रेम से भरा है, मधुरता है, मिठास है, सबके साथ सुंदर बर्ताव है, स्वयं सुखी है और दूसरे में भी उस सुख बिखेरता है, ये जीवन का आनंद है। तो प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, प्रेम रूपी वस्त्र का चोलना पहन करके नाचो, यानी जीवन के सारे कर्तव्य प्रेम पूर्वक करो। और पानिप दीनो तास को जो तन मन बोले सांच, तन से मन से और वाणी से अगर आप सच्चे हैं तो निश्चित है विश्व सत्ता आपको चमक देगी, अपने आप में आप ज्योतित होंगे, जीवन कृतार्थ होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। यहाँ के नगर वाले कॉलोनी वाले इनको धन्यवाद देता हूँ, इन सब का इतना प्रेम रहता है, इतना सद्व्यवहार रहता है कि हमारे आगंतुक आते हैं और जगह जगह टिकाते हैं, और आते हैं तो उसमें सब प्रकार के होते हैं, वहाँ गंदगी भी होती है, असुविधाएं भी होती हैं, लेकिन वो सब प्रेम से सहते हैं, इसलिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। और जो इतनी दूर दूर से लोग आए तो बहुत लोग चले गए, और जो हैं पता नहीं कहाँ होती ही हैं, लेकिन आप लोगों की जो ललक है ये महत्वपूर्ण है। खाली शरीर को सुविधा में डाल करके क्या होगा? कठिनाई के बिना कहीं कुछ होता है? तो कठिनाई उठा करके जो आप आते हैं सत्संग के लाभ के लिए, ये भावना बनी रहे, और यही संबल है, और कहीं संबल मिलने वाला नहीं। कहीं भी आप सत्संग में जाए तो वहीं संबल मिलेगा, संत सज्जन इन्हीं से प्रेरणा मिलेगी। आप लोगों को धन्यवाद है, और इस ढंग से आप दूर दूर से आ करके कार्यक्रम संपन्न करते हैं, सत्संग का लाभ लेते हैं, यही भावना जीवन भर बनी रहे और अपने कल्याण पथ में चलते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु देव की जय। का 24वां वार्षिक अधिवेशन